आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू नामांकन और स्नातक पार्ट थ्री नामांकन। सेशन का बात करें तो सेशन 2019 और सेशन 2018 स्नातक पार्ट वन का जब रिजल्ट आया था तो छात्र अपना रिजल्ट देख लिए थे, लेकिन उस समय छात्रों का एक मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर स्नातक पार्ट वन का रिजल्ट मेरा पेंडिंग चला गया है, तो जल्दी से आप सुधार करवा लीजिए आरा जाकर, क्योंकि आरा विश्वविद्यालय खुल रहा है और स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट आप सभी जैसे देख रहे हैं कि bihar.info.in वेबसाइट पर आ रहा है, रोज एक ना एक कॉलेज का आ रहा है। कॉलेज पर आपको जाना जरूरी नहीं है और bihar.info.in के माध्यम से आप स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट देख रहे हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू नामांकन और स्नातक पार्ट थ्री नामांकन के बारे में। जो डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट के बारे में पहले जान लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट हालांकि लगेगा क्या। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का बात हो रहा है, आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो फोटो कॉपी लग सकता है, और पार्ट वन का एडमिट कार्ड और रिजल्ट फोटो कॉपी, और स्नातक पार्ट टू का एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट फोटो कॉपी। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पहले पार्ट थ्री के छात्रों को बता देते हैं। जो भी छात्र पिछला जब 17 से 20 का नामांकन चल रहा था, उस समय जो भी छात्र का स्नातक पार्ट वन और स्नातक पार्ट टू ये दोनों क्लियर था, वही छात्र का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था। आप लोग जान लीजिए, सबसे पहले जो भी छात्र का स्नातक पार्ट वन और स्नातक पार्ट टू क्लियर था, उन्हीं लोग का स्नातक पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज LBT कॉलेज बक्सर का, ये आप नोटिस देख रहे हैं, ये लोकमान्य गंगाधर तिलक कॉलेज का है और अन्य कॉलेजों में भी स्नातक पार्ट थ्री का नामांकन हो गया है। सरकारी कॉलेजों में नोटिस आएगा जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराने लगेगा स्नातक पार्ट थ्री का, उस समय आपका नामांकन होगा पार्ट थ्री में। स्नातक पार्ट टू का भी नामांकन बताएंगे, उसका भी प्रक्रिया आप देखिए। अब जब आपका नामांकन होगा स्नातक पार्ट थ्री का, उस समय कॉलेज क्या होता है कि आपका नामांकन ले रहा है, लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म सत्यापन कराने जाएंगे तो उस समय बोलेगा कि आपका स्नातक पार्ट वन टू क्लियर नहीं है, इसलिए आप स्नातक पार्ट थ्री का एग्जाम नहीं दे सकते। ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका स्नातक पार्ट वन और टू क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्नातक पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिशन लीजिएगा। आपका रिजल्ट पार्ट वन में त्रुटि है या स्नातक पार्ट टू त्रुटि है तो आपका स्नातक पार्ट थ्री में जाने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 17 से 20 वाले सेशन में यही हुआ था। इससे पहले जो स्नातक पार्ट थ्री का नामांकन होता उसमें स्नातक पार्ट वन टू क्लियर रहता था, तभी वो छात्र स्नातक पार्ट थ्री का अपना एग्जाम देते थे। विश्वविद्यालय आरा स्नातक पार्ट वन हो, टू हो, चाहे थ्री हो, सब में रिजल्ट खराब ही देता है, छात्र का भविष्य पता नहीं चल रहा है क्या होगा और विश्वविद्यालय आरा का रिजल्ट कभी पता नहीं चलता है। अब देखिए स्नातक पार्ट थ्री का किस किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इसका हम डिटेल्स बताएंगे। अब चलते हैं स्नातक पार्ट टू नामांकन की तरफ। तो देखिए ये जो ग्रुप है, आप VK सिवारा ऑफिशियल है और इस पर आप लोगों को नोटिस विश्वविद्यालय आरा का सभी जानकारी मिलता है। अब देखिए इसमें आप जो भी नोटिस देखेंगे, इसमें स्नातक पार्ट टू का नामांकन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 19 से 22 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि नामांकन फॉर्म जमा करने का तिथि 6/2/2022 के बाद प्रकाशित होगा। यानी कहीं कहीं कॉलेजों में नामांकन हो रहा है तो उनका जो नामांकन का स्लिप है, रसीद है, वो 6/2/22 से स्टार्ट होगा। स्नातक पार्ट थ्री हो या टू हो, वेबसाइट पर लेकर चलेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ से आपका किस कॉलेज का नामांकन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी वही नोटिस है SB कॉलेज का 19 से 22 का, कि छात्र छात्राओं का आपका गृह विभाग के आदेशानुसार कोरोना महामारी के देखते हुए नामांकन पत्र को यहाँ पे देख सकते हैं कि 22/1/2022 के बाद नई तिथि घोषित किया जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 371 विद्यार्थियों को ये दूसरा नोटिस है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं 18 से 21 वाले सत्र के स्नातक पार्ट टू का। यहाँ पे उसी बात को हम इसके माध्यम से बता रहे हैं, इस पेपर के माध्यम से, कि जिनका भी रिजल्ट त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 से 21 के त्रुटिपूर्ण रिजल्ट से परीक्षार्थियों की बड़ी परेशानी। तो बता देते हैं कि आपकी यदि रिजल्ट त्रुटि होता है तो आपका स्नातक पार्ट थ्री का एग्जाम देने में दिक्कत आ सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप आरा में जाकर अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी सुधार करवा लीजिए, कॉलेज से बात कीजिए। यदि आपका एब्सेंट बता रहा है तो TR निकालिए कॉलेज से, TR निकाल कर आरा जाकर अपना रिजल्ट सुधार करवा लीजिए। अब जैसा विश्वविद्यालय है वैसा आप लोग मत बनिए, आप लोग अपना काम जल्दी से करा लीजिए, क्योंकि स्नातक पार्ट थ्री में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए ये तो आप जान लीजिए, अब आते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद आपको सर्च करना है bihar.info.in। क्या सर्च करना है? bihar.info.in। bihar.info.in सर्च करेंगे तो bihar.info.in सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे वेबसाइट पर।
वेबसाइट पर आ गया बिहार इंपोर्टर टीम की वेबसाइट पर। अब इसको वीकेसी बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, वीकेसी बॉक्स पे कर देना है क्लिक। ऐड को बंद करते हुए नीचे आ जा रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सेशन वाइज में आना है। सेशन आपका कौन सा है, 2019 से 22। अब वीकेसी पार्ट टू एडमिशन यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप जाएंगे तो आपके कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे डाल दिया जाएगा किस किस कॉलेज में नामांकन हो रहा है, और प्राइवेट कॉलेज का तो नहीं भी डाला जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि प्राइवेट कॉलेज का नामांकन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है, यहाँ पे आपका सेशन जो है 2018 से 21, यहाँ पे स्नातक पार्ट थ्री का नोटिस डाल देंगे कि किस किस कॉलेजों में नामांकन हो रहा है। तो ये नोटिस है स्नातक पार्ट थ्री और टू नामांकन प्रक्रिया को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, पैसा को लेकर। तो जो भी पैसा है आपका, जितना पार्ट टू में लगा था, पार्ट वन में लगा था, उतना ही पैसा लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम लिंक से आप अवश्य जुड़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।